सच्चाई की हकीकत जानने की करेंगे। बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ में छाए शराब संकट की, और साथ ही बात एक नाबालिग रिहाई की मांग की भी होगी, और फिर बात होगी बसपा के मिशन 2022 की तैयारी से पहले बड़े नेताओं पर एक्शन के क्या मायने, ये सब कुछ बताएंगे दिन भर दिल्ली में। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश, दिन भर दिल्ली। उत्तर प्रदेश में जिला अस्पताल की हालत देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि यूपी में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि सीएचसी और पीएचसी बदहाल स्थिति में है। आवारा कुत्ते जो है वार्ड के अंदर घुस जा रहे हैं, जो कि किसी को भी जो है कभी भी काट सकते थे। कोरोना महामारी के दौर में स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही ठंडे बस्ते में जा चुकी है, उसके ऊपर सरकारी अस्पताल से आने वाली बदहाल तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में लोगों की जान बहुत सस्ती है। इसके साथ खिलवाड़ करना बहुत आसान है। दरअसल देवरिया के जिला अस्पताल में मरीजों की जगह कुत्तों का जमावड़ा है। बीमारदारों को इस बात का डर सताता है कि कहीं ये कुत्ते उन्हें काट ना ले। यहाँ पे आवारा कुत्ते, करीब एक दर्जन की संख्या में आवारा कुत्ते जो है वार्ड के अंदर घुस जा रहे हैं, महिला वार्ड में भी घुस जा रहे हैं, पुलिस वार्ड में भी घुस जा रहे हैं। यह कुत्ते कुछ उसमें कुत्ते हमें देखने को मिले कि वो पागल टाइप के कुत्ते थे, जो कि किसी को भी जो है कभी भी काट सकते थे। तो हाँ बिल्कुल, मरीज डरे सामे है इससे। जिला अस्पताल के वार्ड और बरामदे में आवारा कुत्ते खुले घूमते हैं, मरीज डर के साए में अपना इलाज करा रहे हैं। आपने ये मेरे कदम नजर में लाया है, मैं देखता हूँ, आवश्यक कार्रवाई करता हूँ। मेरे ख्याल से छह दीवारी नहीं होने के कारण जो है इस तरह की प्रचार में आ रही है, इसके मैं देखता हूँ कि कुत्ते वार्ड में न। वहीं दूसरी तस्वीर भी देवरिया से ही है, जहां भाटपार रानी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। यहां किसी भी वक्त छत गिर सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए फार्मासिस्ट हेलमेट पहनकर मरीजों को दवाई देते हैं। डॉक्टर और कर्मचारी अपनी जान हथेली पर रखकर ड्यूटी करने आते हैं। यहां की सबसे बड़ी समस्या इस बिल्डिंग की है, ये सरकारी बिल्डिंग नहीं है, डोनेटेड बिल्डिंग है, और हालत आप देख सकते हैं कितनी जर्जर है। सबसे ज़्यादा डर यहाँ ये लगता है कि किस समय कब कहाँ से गिर जाए, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बारिश में यहाँ पानी टपकता है, सारी चीज़ें गीली हो जाती हैं, दवाइयों के रख रखाव की सबसे बड़ी समस्या है। काफ़ी ये सब कार्टन भी गीले हो गए थे इस बार, फिर उनको बड़ा मेंटेनेंस करना बड़ा दिक्कत की बात है। देवरिया जिले की स्वास्थ्य सेवाएँ बदहाल हो चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भाटपार रानी में। मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं हेलमेट पहनकर ड्यूटी कर रहे हैं। आइए, मेरे पीछे देख सकते हैं आप कि ये फार्मासिस्ट कक्ष है जहाँ दवाइयाँ रखी गई हैं, यहाँ से मरीजों को दवाइयों का वितरण किया जाता है। यहाँ फार्मासिस्ट अपने चेयर पर हेलमेट लगा के बैठे हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि भाई साहब, आप यहाँ हेलमेट लगा के नौकरी क्यों कर रहे हैं, ड्यूटी क्यों दे रहे हैं? सर, बिल्डिंग जो है ये जर्जर हो चुकी है, आप देख ही रहे हैं, और छोटे छोटे टुकड़े में ये भी हमेशा डेली गिरता रहता है, तो इस डर के साए में रहते हैं कि बड़ा टुकड़ा न गिरे, न तो नुकसान हो जाएगा, इसीलिए हम हेलमेट पहन कर बैठे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश प्रसाद। तो देखिए, यहाँ के जो फार्मासिस्ट हैं सुरेश प्रसाद जी, इनका साफ तौर से कहना है कि मुझे डर के साए में नौकरी करना पड़ता है, क्योंकि जो ऊपर के छत के जो फर्श हैं वो टूट के कभी गिर न जाए। यूपी के जिला अस्पतालों की हालत बेहद खराब है, कहीं इलाज नहीं है तो कहीं व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसे में जिम्मेदार कब कुंभकर्णीय नींद से जागेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए, अब आपको महामारी में परिवार को खो चुके शामली के तीन मासूमों की गुहार सुनाते हैं, और वहां पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिस तक वो चाहते हैं। पढ़ाई का खर्चा उठाए जी, मुझे तो संभालना भारी हो रहा जी, मुझे सरकारी इनका खर्चा उठाए, मेरे बहन भाई का। सरकार से यही उम्मीद है कि वे हमारी मदद करें।
महामारी की मार से बेसहारा ये मासूम मरहम की फरियाद के सिवा कर भी क्या सकते हैं? सिस्टम से मदद की गुहार के सिवा लगा भी क्या सकते हैं? दरअसल सामली का हंसता खेलता परिवार कांच की तरह टूटकर बिखर गया। माँ फो पढ़ाई माँ फो इनके बच्चे की नौकरी के सरकार उठा रहा है इनका खर्च, नौकरी लगवा रहे इनके। नहीं, सरकारी तंत्र तो आ रहा जा रहा, आने जाने से कुछ नहीं होता। आने जाने से तो सिर्फ ये एक दिखावा कर रहे हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते। अगर करना चाहते तो अब तक कर देते, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें जो है मतलब फिर समाज को कदम उठाना पड़ेगा। पहली लहर में मांगेराम के पुत्र लोकेंद्र की मौत, दूसरी लहर में उसके बेटे और बहू की मौत हो गई, और सदमे में गमजदा मांगेराम और उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। परिवार के चार जिम्मेदार लोगों की मौत हो जाने के बाद अब लोकेंद्र के बड़े बेटे हिमांशु के कंधे पर अपने परिवार की जिम्मेदारी आ गई है। सरकार जी आती है, कोई सरकार के अधिकारी आते हैं, चून चावल ये दे के चले जाते हैं। इसमें क्या हो रहा जी, आर्थिक स्थिति की जरूरत है जी। सरकार हमारा पूरा खर्चा उठाए, फीस माफ करे, बिल माफ करे। 8-9 बीघे जमीन है जी, इसमें क्या हो रहा जी। ये तो हमारे पास भी है जी चावल, ये रोटी। अब जी मैं घर में बड़ा हूँ जी, अब जी मैं इन दोनों को पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ अच्छी तरीके से, इन्हें डॉक्टर और आर्मी में ज्वाइन कराना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहते थे माँ बाप के सामने, जब आपका क्या सपना थे आपके? मेरे मम्मी पापा के भी यही सपने थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरा पापा का और मेरा सपना आर्मी में जाना था, और हमारे माँ बाप की मृत्यु हो गई कोविड की वजह से, और मेरे भाई पर जिम्मेदारी आ चुकी है हिमांशु पर, वह 13 साल का है। सरकार से यही पूरी उम्मीद है कि वे हमारे पढ़ाई का खर्चा उठाए। तो बिल्कुल आपने सुना, इन बच्चों की जो फरियाद है वो सरकार से इनकी फरियाद है, और ये बच्चे लगातार गुहार लगा रहे हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है, वो बहुत अच्छी नहीं है, और स्थिति मजबूत की जाए, सरकार इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाए, जिससे ये बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे से अपनी आगामी समय में जो इनके सपने हैं वो पूरा कर सके। शामली से सहयोगी आरिफ के साथ रविंद्र सुलानिया, भारत समाचार। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के आगे भारी संकट आ गया है। कई बच्चे अनाथ हो गए हैं, परिवार के परिवार खत्म हो गए हैं, बेसहारा लोग। अपनों को तो नहीं बचा सके, लेकिन अब ये सरकार से मदद की गुहार जरूर लगा रहे हैं। कोरोना महामारी ने सैकड़ों जाने ले ली, लाखों घर बर्बाद कर दिए, न जाने कितने बच्चे अनाथ कर दिए। अपने माँ बाप की तस्वीर हाथ में लिए बैठे इन बच्चों को देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। झांसी में बिजौली के शारदा नगर में रहने वाले टैक्सी ड्राइवर शेखर अपनी माता पिता और पत्नी और 3 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन कोरोना ने इनकी खुशियों में ग्रहण लगा दिया। परिवार के कर्ता धर्ता शेखर कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके बाद उनकी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। कुछ ही दिनों में शेखर की बीमार पत्नी की भी मौत हो गई। बहू और बेटे की मौत का सदमा पिता से बर्दाश्त नहीं हुआ, और फिर शेखर के पिता की भी मौत हो गई। अब इस परिवार में सिर्फ शेखर की बूढ़ी माँ और 3 बच्चे हैं। इन बच्चों का पेट पालने के लिए शेखर की माँ घरों में झाड़ू पोछा करती है। करने बच्चे की खातर जाने पड़ता है बेटा, जिन्हें भूखे थोड़ी रखे हैं। मेरे पास थोड़ी कछु है घर में, बच्चे को लगाए बैठी, कुछ नहीं है। हाथ मजूरी वाले हैं बेटा, हम लोग तो पोछा कर आती, जूठन बर्तन ले आती, अपने बच्चों को खिलाती। का है मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, अपने बेटा के गम में जिनको तो थोड़ी भूख न मारे लेती। बेटा आता तो वो कोरोना के चक्कर में चला गया, बेटा बहू भी चली गई, डुकर भी चले गए, अब इनको हम आई है तो देखे बेटा का करें। शेखर की छोटी बेटी पढ़ लिख कर पुलिस की नौकरी कर जनता की सेवा करना चाहती है, लेकिन अफसोस इन मासूमों का सपना पूरा करने वाला अब कोई नहीं है। कोरोना ने एक ही झटके में इस पूरे परिवार को उजाड़ दिया।
बच्चों को अनाथ कर दिया, लेकिन प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी इन बेचारों का हाल जानने नहीं आया। अब इन मासूमों का पेट हर दिन कैसे भरेगा, ये बड़ा सवाल है। झांसी की बिजोली गांव में यहाँ पर एक परिवार अनाथ हो गया है। इनके पिता टैक्सी चालक थे, वो अपने 3 बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। पिता के बाद इनकी माँ भी इनका साथ छोड़ गई हैं। इनकी दादी हैं जो 3 बच्चों का, ये आप देख सकते हैं 3 बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये 3 बच्चे अपने हाथों में फ़ोटो, माँ की, दादा की और पिता की फ़ोटो लिए बैठे हैं और सिर्फ सरकार की कि चाहते हैं कि सरकार हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ मदद करे। लेकिन इस कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल की वजह से तमाम ऐसे घर हैं जो अनाथ हो चुके हैं। लेकिन आपको इनकी दादी भी हमारे साथ हैं, बच्चे भी हमारे साथ हैं। तो बच्चे से पूछ, क्या नाम बेटा? साक्षी। साक्षी ये बताओ क्या हुआ था तुम्हारे पापा को? हमारे पापा पहले टैक्सी चलाते थे, इसलिए उन्हें कोरोना हो गया था। कोरोना की बीमारी में वो खत्म हो गए थे। फिर माँ भी खत्म हो गई? हाँ, फिर माँ भी खत्म हो गई थी। फिर क्या हुआ, फिर कैसे खर्चा चल पा रहा है तुम्हारा? हमारी दादी कुछ लाती है तो उससे थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता। पढ़ना चाहती हो तुम लोग? हाँ। क्या बनना चाहती हो स्कूल के बाद? क्या बनना चाहती हो? हम पढ़ने के बाद पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस क्यों बनना चाहती हो बेटा? क्यों बनना चाहती हो पुलिस? ऐसा क्यों बनना चाहती हो बताइए बेटा? बहुत अच्छा बोला आपने। बोलो बेटा। हम अपनी दुनिया की रक्षा करना चाहते हैं और अपने परिवार की भी। सरकार की बात करें तो सरकार की कोई भी टीम यहाँ नहीं पहुँची है, ना कोई स्वास्थ्य विभाग के यहाँ अधिकारी, ना प्रशासन कोई अधिकारी इनके यहाँ तक पहुँचा है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ एस एस झा, भारत समाचार, झांसी। कन्नौज में कोविड वैक्सीन ना लगवाने वालों पर प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाया है। यहाँ एक गांव में कुछ ग्रामीण कोविड वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। जब ग्रामीणों ने एसडीएम की बात नहीं मानी तो उन्होंने उनके घरों की बिजली कटवा दी। एसडीएम ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से नाम कटवाने की धमकी भी दी है। बुधवार को सौरिख ब्लॉक के वीरपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड वैक्सीन लगाने पहुंची थी। कई ग्रामीण वैक्सीन लगवाने को तैयार हो गए थे और कई नहीं लगवाने पर अड़े थे। जब डॉक्टरों से बात नहीं बनी तो एसडीएम छिबरा माऊ देवेश गुप्ता खुद ग्रामीणों को समझाने पहुंचे। जब काफी देर समझाने के बाद भी ग्रामीण नहीं माने तो एसडीएम ने आधे गांव की बिजली कटवा दी। ग्रामीणों का कहना है कि कल से बिजली नहीं आई है। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी अफसर ने कभी इस तरह जबरदस्ती कोई काम करवाया हो। वैक्सीन लोगों ने, यहाँ वैक्सीन के लिए यदि अधिकारी आए, यदि एसडीएम साहब आए तो उन्होंने कहा कि वो वैक्सीन न लगने से लाइट कटवाई दीजिए। तो हमने जो है 9 बजे एसडीएम साहब से मैंने बात की, जे हिसाब से भी मैंने बात की, हमको भाई आधे गांव में लाइट चल रही, आधे गांव में लाइट क्यों नहीं चल रही। फिर मैंने उनसे ये भी कहा, हमके जो भट्टा से ये जम्पर उड़ाई जाए, अगर कटवाई जाए तो फूटिया लाइन कटवाई जाए, ये क्या आधे गांव में लाइट चल रही, आधे गांव में लाइट नहीं चल रही। वहीं बिजली काटे जाने के मामले में प्रशासन अपनी सफाई दे रहा है। एसडीएम कन्नौज का कहना है कि बिजली भकाए के कारण काटी गई है, उसका वैक्सीन न लगवाने से कोई संबंध नहीं है। उनको बार बार समझाया गया, लेकिन जो ये बिजली के काटने की बात है, जो बिजली के बकायेदार थे उन्हीं की बिजली काटी गई थी, उसका गलत रूप उन्होंने दिया है कि जो बिजली के बकायेदार है उनकी बिजली काटी गई है। लेकिन लगातार उनको समझाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से वैक्सीनेशन के प्रति विश्वास जगाने का प्रयास उनके अंदर हो रहा है। एसडीएम की सफाई में कहीं ना कहीं प्रशासनिक बचाव नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह एसडीएम छिबरा मऊ ने धमकी भरे लहजे में ग्रामीणों से बिजली कटने के लिए कहा, फिर उसके बाद बिजली कट जाना और ग्रामीणों का अंधेरे और गर्मी में परेशान होना, देखना ये होगा कि जिद पर अड़ा प्रशासन अब आगे क्या कदम उठाता है। कन्नौज से अंकित शुक्ला की रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना महामारी में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना योद्धा का नाम दिया गया। ध्वस्त सुविधाओं वाले महकमे में हेल्थ वर्कर्स ने इसे बहुत बड़ा तमगा समझा और कोरोना मरीजों की सेवा में अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। इन स्वास्थ्य कर्मियों के परिजन अब सरकारी मुआवजे के लिए महीनों से भटक रहे हैं। मेरठ से नरेंद्र प्रताप की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप जरूर देखिए। अर्थात
68 साल के सतीश त्यागी बीजेपी के नेता हैं और उनकी पत्नी आशा त्यागी मेरठ के मेडिकल कॉलेज में सिस्टर इंचार्ज थी। 29 अगस्त 2020 को आशा त्यागी को कोरोना हुआ और 7 सितंबर 2020 को उनकी मौत हो गई। अपनी जिंदगी के 36 साल आशा त्यागी ने जिस अस्पताल में समर्पित होकर सेवाएं दी, उस अस्पताल में उन्हें ठीक से इलाज तक नहीं मिल सका। आशा त्यागी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की पात्र थी। इस योजना के तहत उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना था, लेकिन 8 महीने हो गए परेशान हाल सतीश त्यागी मेरठ, लखनऊ और दिल्ली के बीच चकर घिन्नी बने हुए हैं। मैं क्योंकि कार्यकर्ता भी रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 3/4/2021 में दिया था और उसका भी कोई अभी तक मुझे कोई सकारात्मक जो है मतलब कोई जवाब नहीं मिला। स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं हो पा रही कि 8 महीने बीतने के बाद भी कि उस कर्मचारी का जिसने 34 साल इस अस्पताल को दिए अपनी सेवा के, मरीजों की सेवा में, अभी तक उनको उनका क्लेम नहीं मिला। परिवार को मिलना है 50 लाख का मुआवजा। मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ फाइल का सफर, सीएमओ ऑफिस, डीएम ऑफिस और फिर लखनऊ। लखनऊ के बाद फाइल पहुंची दिल्ली। हैरानी की बात तो ये है कि नियम के तहत सभी कागजों को सबमिट करने के बावजूद अब महीनों बाद एक कागज मांगा जाता है और फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सतीश त्यागी गुहार कर चुके हैं, लेकिन जवाब में किसी ने दो फूटे बोल नहीं बोले। कागज मांगने वाली चिट्ठियों के ढेर इकट्ठे हो चुके हैं। मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहते हैं कि हमने अपना काम पूरा किया, बाकी शासन जाने। ये लखनऊ लेवल पे या जो शासन लेवल के ऊपर जो है ना, जो भी कुछ केसेस हैं वो लंबित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से सारा चला गया है। छोटी छोटी कमी एक दो केसेस में ऊपर से हमारे पास आई है लखनऊ लेवल से भी, वो भी हमने करवा के बहुत जल्दी भेज दी। उत्तर प्रदेश में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट से लेकर सफाई कर्मी तक वाले पद नाम के 19 हेल्थ वर्कर हैं, जिनकी मौत के बाद उन्हें 50 लाख की मदद दी जानी है, लेकिन कागजों में कमी और डिमांड बताकर इनमें और देरी की जा रही है। कोरोना की पहली लहर में हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टरों को कोरोना खतरे के बीच काम करने के कारण इन्हें कोरोना योद्धाओं का तमगा पहनाया गया था। इन कोरोना योद्धाओं की शान में उनके जीते जी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे उनके स्वागत में, लेकिन उनके मरने के बाद परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उनके परिवारों को कोई ये तक बताने को तैयार नहीं कि सरकार ने जिस मदद का ऐलान किया था वो पैसा आखिर कब तक आएगा। परिवारीजन महीनों से परेशान हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। अलीगढ़ में जहरीली शराब मौत का तांडव खेल रही है। हर दिन मरीजों और मौत का एक नया आंकड़ा सामने आ रहा है। इसके पीछे कौन है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। अलीगढ़ में जहरीली शराब का आतंक। अलीगढ़ में अब तक 103 के पार मौतें। हर रोज बदल रहा है मौत का आंकड़ा। अब कौड़ियागंज में ढाया कहर। जहरीली शराब से 6 मजदूरों की मौत। इन्होंने इस पेटियों को उठा के अपने साथ ले गए और इसका इन्होंने सेवन किया, जिससे संभवतः इनकी तबीयत खराब हुई है। अलीगढ़ में जहरीली शराब के कारण 3 तहसील कोल, गभाना और खैर क्षेत्र प्रभावित हुए थे, जिसके 9 थाना क्षेत्रों में जहरीली शराब जम करके तांडव मचा रही है। और इसके बाद कौड़ियागंज में कहर आया, जहां पर नहर में फेंकी गई जहरीली शराब। भट्टा मजदूरों ने किया शराब का सेवन। देसी शराब पीने से 20 से ज्यादा लोग गंभीर। एक महिला समेत 6 लोगों की मौत। शराब से मरने वालों की संख्या 103 के पार। 10 शवों का नहीं हुआ पोस्टमार्टम। बिना पोस्टमार्टम ही अंतिम संस्कार।
दरअसल इस बार मामला थोड़ा अलग है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात ट्रक में शराब की पेटियां भर करके लाई गई और उसे जवा इलाके के रोहेरा गांव के पास एक नहर में फेंक कर बहा दिया गया, जिसके बाद पास में ही ईंट भट्टा पर काम करने वाले बिहारी मजदूर रहते हैं, जिन्होंने दिन भर जमकर जाम लगाया और जिंदगी को दांव पर लगा दिया। 87 लोगों के पोस्टमार्टम कल तक मेरी जानकारी में थे और उसमें से 35 लोग ऐसे थे जो ज़्यादा संदिग्ध हैं, जिनके बारे में ये संभावना है कि शायद इनकी मृत्यु जो है वो जरिए शराब से हुई होगी। बाकी जो डेथ्स हुई हैं उनको भी हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, उनको मना नहीं कर रहे हैं कि जो अपराधी है या जिसने इसको स्टोर किया था, कहीं पर भंडारण किया था, उसने इस जगह पे इस सामान को डंप करके यहाँ से वो अपना यहाँ से डंप करके चला गया है। जो भट्टे वाले हैं उन्होंने इसको यहाँ से उठा लिया, अपने यहाँ बांट करके लोगों को इसको पिला दिया, जिससे उनकी तबीयत खराब हुई है और अभी तक इसमें 3 लोगों की मृत्यु की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है। लाया था नदी में से दारू झलल था, वहाँ पड़ी एक गाड़ी। कौन सी नदी में? जामा वाला नदी है, जाता ना पानी, वही नदी में से लाया है। सब लोग गया था डोलने के लिए तो देख लिया दशरा। अच्छा। उठा के एक कार्टून एक कार्टून घर में भर लिया। इन बयानों से अलग गांव के ही एक मजदूर का कहना है कि शराब पीने वालों की गिनती काफी अधिक है, जो शराब पीकर या तो कहीं बेहोश पड़े हैं या फिर बीमार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कानपुर बिकरू कांड किसे याद नहीं होगा, लेकिन उस नरसंहार की कीमत एक नाबालिग को जिंदगी दांव पर लगाकर चुकानी पड़ रही है। जी हां, बात खुशी दुबे की कर रहे हैं, जिसकी हालत गंभीर है, जो जीने के लिए मौत से जंग लड़ रही है। 10 महीने हो गए, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद उसे सजा दी जा रही है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट देखिए आप। बिकरू नरसंहार की हर कहानी कानून और सबूतों के पन्नों में दर्ज होकर दब गई, जिसमें दब गई एनकाउंटर में मारे गए अमर की पत्नी खुशी की खुशियां। उसकी जिंदगी, उसका पूरा जीवन, क्योंकि खुशी की शादी को बामुश्किल 3 दिन ही हुए थे तभी हत्याकांड हुआ और उसके पति को बाद में एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था। वही खुशी आज जिंदगी और मौत से लड़ रही है। खुशी को खून की उल्टियां हो रही हैं। लोहिया अस्पताल में भर्ती है खुशी। खुशी पर विकास दुबे जितने मुकदमे लगे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि विकास दुबे जितने मुकदमे लदे खुशी दुबे को जब वकीलों ने साबित कर दिया कि खुशी नाबालिग है, तो अदालत ने उसे एक जेल से बाराबंकी के एक आश्रय गृह में ट्रांसफर करने का आदेश दिया, जहां बीते 8.5 महीने से वो रह रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी अचानक सेहत बिगड़ गई। मुंह से खून की उल्टियां और पेट में तेज दर्द होने पर उसे बाराबंकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां न तो सही से जांच हो पा रही थी और न ही इलाज। ऐसे में डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर किया, लेकिन हालत में कोई सुधार न होते देख बीजेपी MLC उमेश द्विवेदी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए CM योगी, स्वतंत्र देव और बंसल को खत लिखकर कई सवाल पूछे। खुशी को जेल में क्यों बंद किया गया? खुशी के खिलाफ पुलिस के पास सबूत नहीं। 10 महीने में कोई चार्जशीट क्यों नहीं? 3 दिन पहले ब्याह करके घर आई थी तो मुझे नहीं लगता कि परिवार को जानती भी रही हो। अच्छा, उसका जो मैका है वो सब सामान्य, बल्कि कहिए गरीब परिवार के लोग हैं, ना उसका कोई भाई, ना उसका कोई पिता, ना कहीं कोई आपराधिक इतिहास है, ना इसका कोई आपराधिक इतिहास है। तो अगर इसके यहाँ शादी हो गई तो इसमें कौन सा बड़ा जुर्म हो गया कि उसको पकड़ करके, और फिर वहाँ SP ने कहा कि नहीं वो दोष मुक्त है, उसको एक हफ्ते में छोड़ दिया जाएगा,
और आज 10 महीना से उस पर न कोई कार्रवाई हुई और न कुछ नहीं, और उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है। इसलिए हमने कहा कि मानवीय संवेदनाएं, महिलाओं का सम्मान, और अगर उसका कोई आरोप नहीं है तो अनसेसरी उसको परेशान न किया जाए, उसका बेहतर इलाज किया जाए और उसे छोड़ दिया जाए। बहरहाल ये कोई पहली बार नहीं खुशी की रिहाई को लेकर मांग उठती रही, लेकिन बिकरू कांड की साजिश रचने का आरोप लगाने वाली पुलिस सलाखों के पीछे भेजने के सिवा ना तो चार्जशीट पेश कर पाई है और ना सबूत। हाँ, मुकदमे जरूर विकास दुबे जितने लाद दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।